विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उनके अलावा संगोष्ठी में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री गीता मनीषी सहित लगभग 11 देशों से आए विद्वानों ने गीता के जीवन में सार्थकता विषय पर विचार विमर्श किया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैटेरियलिज्म और प्रतिस्पर्धा से घिरी डिजिटल युग की युवा पीढ़ी में तनाव, असुरक्षा और दुविधाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में गीता उनके लिए आध्यात्मिक औषधि सिद्ध होगी। आज से शुरू होने जा रहे पंजाब विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में किसानों के मुद्दे और विपक्ष के नेता सुखपाल खैरा के इस्तीफे को लेकर हंगामा होने की संभावना है। वहीं विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के मुद्दों, चुनावी वादों, जीएसटी और पकोका जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की हुई है। हसुहीनी गल है कि यही कांग्रेसी सरकार ने बड़े सोले गाए जो जीएसटी का बिल पास करना सी, रेटिफाई करना सी पंजाब दी विधानसभा दे विच जून दे विच, और उदो फाइनेंस मिनिस्टर समेत सारे मंत्रियों ने कहा जी बहुत इतिहासिक फैसला वा, पंजाब नू वित्तीय तौर पर बहुत अगे लैके जाएगा। तो ठीक 6 महीनों बाद हुण सड़कां ते उतर के, कल मैं देख रहा सीगा कि नवजोत सिद्धू जिहड़े ने वो जनतक विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैडरल ढांचे ते हमला वा, और उदो उस वक्त असैम्बली साडे मैंबर कंवर संधू हुणा ने उठ के कहा सी, वॉर्न किया सीगा कि तुहाडे फाइनैंशियल अधिकारां दे उत्ते इनक्रोचमेंट कर रही है केंद्र की सरकार, फैडरल ढांचे नूं बर्बाद कर रही है, और जिहड़ियां स्टेटां ने सूबियां सूबे ने जिहड़े वो म्युनिसिपैलिटियां बन के रह जाणगियां। उस वक्त इन्हां ने उहदा उहनूं झेडां कीतियां, उस नूं मजाक कीता, ते अज महसूस हो गया वा कि जी एस टी जिहड़ा वा वह एंटी एक फैडरल ढांचे का एक वड्डा फैसला गिणिया जा रहा इस देश की सियासत में। और मैनूं ये असीं फिर कहना चाहुंदे आ कि जी एस टी के नाल स्टेट की रेवन्यू घटी आ, आमदन घटी आ, और ये सीधी सीधी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिन्होंने बिना सोचे समझे काली विच आण के ते जी एस टी के बिल की रेटिफिकेशन की और उन्होंने पंजाब की विधानसभा की। दे शुड रिव्यू दिस होल इशू एंड इस तरह के इंपोर्टेंट मैटर्स नू फैसला लैण तो पहला समुची विधानसभा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। वा नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक, अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। नया पिल्सबरी कुकी केक, आपके मुंह का एंटरटेनमेंट। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्करों को आखिरकार पंजाब सरकार ने राहत दे दी। शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को मानते हुए कोई भी सेंटर बंद ना करने का ऐलान किया है। आंगनवाड़ी वर्करों को लिखित में भरोसा देते शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी वर्कर नौकरी से वंचित नहीं होगा और कोई भी सेंटर सरकार बंद नहीं करेगी। गौर हो कि आंगनवाड़ी वर्कर 22 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। शिक्षा मंत्री की तरफ से लिखित में भरोसा देने के बाद आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। 70% जड़े आंगनवाड़ी सेंटर्स ने ऑलरेडी स्कूल दे बिल्डिंग च चल रहे ने, जिथे बिल्डिंग नहीं है उत्थे असी नवा कमरा उन्होंने बना देंगे, जो जो उन्होंने लोड़ है असी देवांगे, ऐसी गल नहीं है। पर उन्हां दी जिहड़ी जत्थेबंदी उन्हां नाल गलबात हो चुकी है, वो दे आर मोर नाउ सैटिस्फाइड, वो चाहते ने कि असी सिर्फ वो रिटर्न कोई कमिटमेंट चाहते ने, वो भी असी दे रहे हैं। अक्सर अपने तड़कते भड़कते बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले कुरुक्षेत्र के भाजपा के सांसद राजकुमार सैनी की हर गतिविधि पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। ये बड़ा खुलासा किया हरियाणा भाजपा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। विज का ये बयान राजकुमार सैनी की जींद रैली के ठीक बाद आया है, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार और गर्मा गया है। सरकार बहुत काम कर रही है, इतना आज तक पूर्व की सरकारों ने नहीं किया, सारे हरियाणा में काम कर रही है। पहले कुछ क्षेत्र विशेष में काम किए जाते थे, और राजकुमार सैनी जी क्यों कर रहे हैं ये सब, इस पर पार्टी ने निगाह रखी हुई है। साथ ही अनिल विज ने अपने तीखे बयानों के जरिए विरोधियों पर भी निशाना साधा। स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस के राज में आई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको लागू करने के लिए जो समिति बनी थी उसके चेयरमैन थे, तो उन्होंने की ही नहीं अपने समय में कांग्रेस ने। अब राजकुमार सैनी जी को स्वामीनाथन याद आ रहा है, स्वामीनाथन में और बहुत सारी सिफारिशें हैं
जिनको सरकार कर रही है उनको सारों को, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाती है, ये देश की सुरक्षा के मामले हैं और ये सारी राजनीति से ऊपर हैं। लेकिन राहुल गांधी तो बच्चा है, उसको क्या पता देश क्या होता है और राजनीति क्या होती है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध चंडीगढ़ की सड़कों पर भी देखने को मिला। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने फिल्म पद्मावती के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फिल्म के पोस्टरों को आग के हवाले किया। साथ ही शिव सैनिकों ने चंडीगढ़ में फिल्म ना चलने देने की चेतावनी भी दी। आज जो शिवसेना ये मांग करती है, जो ऐसे हिंदू समाज के ऊपर फिल्म आघात करती है, जो उनकी अपमान करती है, ऐसी फिल्म बनाना बंद करें। इन डायरेक्टरों को चेतावनी है कि ये फिल्म ना चले और ना चलने देंगे इसे शिवसेना वाले। और जितने भी सिनेमा घर या मॉल हैं चंडीगढ़ में, हमारी तरफ से उनकी खुली पूरी चेतावनी है कि अगर वो फिल्म लगी या लगाई किसी ने तो चंडीगढ़ प्रशासन और सिनेमा घर के व्यक्ति जिम्मेवार होंगे। शिवसेना इसका कड़ा विरोध करेगी, डट के विरोध करेगी। इससे नारी का अपमान दिखाया गया है फिल्म के अंदर, जो इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ना हम इस फिल्म को देखना चाहते और ना हम चाहते हैं ये फिल्म लगे। केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि जैसे 5 राज्यों में बैन किया गया है, ऐसे चंडीगढ़ राज्य में भी सभी राज्यों में पूरे हिंदुस्तान में ये इस फिल्म का पूरा बैन किया जाना चाहिए। अम्बाला की मंडियों में एक बार फिर से प्याज व टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण प्याज टमाटर आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। मंडियों में टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं प्याज 60 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। प्याज टमाटर खरीदने वाले जहां इस महंगाई से परेशान हैं, तो वहीं बेचने वाले भी इसकी मार झेल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि प्याज टमाटर कभी इस सीजन में इतना महंगा नहीं देखा गया। तो हमारे को भट्टे भी डाल दिए दुकानदारी का, प्याज इस बार 60 रुपए किलो से प्याज कम हुआ ही नहीं, और आम पब्लिक से तो आपस से बाहर हो गई। और प्याज में तो हमारे को इतना लॉस हुआ कुछ कहने की बात नहीं। आपको 45 साल हो गए काम करते सब्जी का, लेकिन ऐसा तेजी नहीं देखी प्याज की जितना कि इन दिनों में है। यही हाल टमाटर का है। टमाटर 20 रुपए किलो हुआ करते इन दिनों में, नवंबर दिसंबर में टमाटर 20 रुपए किलो होता था, जो कि यहाँ 60-70 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। प्याज का रेट इतना बढ़ गया है कि पब्लिक को भी परेशानी हो रही है और हमारे को भी परेशानी हो रही है, बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। पब्लिक ले नहीं रही, हमारा काम चल नहीं रहा, एकदम काम हमारा खत्म हो गया। हर शादीशुदा जोड़े का सपना माँ बाप बनने की ख्वाहिश, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक नया मुकाम संतान। लेकिन ऐसे कितने ही घर हैं जिनके आंगन में किसी बच्चे के किलकारियों की जगह ताने हैं, शिकायतें हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ना है। लेकिन बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है जालंधर के एक बहुत ही फेमस एसटी हॉस्पिटल ने। एसटी हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फोन नंबर है 09915402525, 01815042525। गदरपुर के थाना अध्यक्ष ललित मोहन जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि गश्त के दौरान मसीद तिराहे पर एक कैंटर को चेकिंग के लिए रोका गया, जिस दौरान गाड़ी के अंदर लगभग 50 क्विंटल खैर की लकड़ी पाई गई। इस पर पुलिस ने कैंटर चालक को साथी सहित गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रात में चेकिंग के दौरान एक कैंटर पकड़ा गया, इसमें करीब 30 क्विंटल खैर है। दो लोगों को मौके से पकड़ा गया, एक आदमी भागने में फरार रहा है जो कि कलकत्ती का रहने वाला है, उसी के द्वारा ये खैर चोरी करके इन लोगों को दिया जा रहा है। पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भागा हुआ आदमी उसकी भी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। सोलन के LIC कार्यालय के समीप IPH विभाग के स्टोर में रखी पाइपों में अचानक आग लग गई, जिस कारण विद्युत विभाग के 132 KV डबल सर्विस ट्रांसमिशन लाइन के टावर नंबर 176 को भी खासा नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस के कुछ कर्मचारी किसी और मैटर पे आए होंगे, जो सपरून चौक के लगभग ये LIC ऑफिस के आसपास एक्सीडेंट के, तो यहाँ पे उन्होंने एक ये 132 KV का ट्रांसमिशन लाइन है और ये जो टावर है, यहाँ पे कोई आग का इंसिडेंस देखा होगा, तो अकॉर्डिंगली कंसर्न डिपार्टमेंट फायर IPH जिनका स्टोरेज वगैरह है यहाँ पे, और फायर सर्विसेज को इन्फॉर्म किया होगा, तो हमारे सभी कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स थे उनके अधिकारी यहाँ पहुँच गए
और जो हमारे फायर के थे कर्मचारी वो यहाँ आए और उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाते हुए इमिजिएटली पहुँचे और अपना कार्यवाही करते हुए यहाँ जो डंप को सुरक्षित किया और ये जो टावर पे भी जो आग लगी थी उस पे को भी कंट्रोल कर लिया। टेंशन वायर्स है, अगर ये केबल्स वगैरह गिरती तो किसी को जानी नुकसान भी, जो आसपास की पॉपुलेशन है उन सबको भी हो सकता था, पर बाय गॉड्स ग्रेस हम सब लोग यहाँ पे थे, आसपास थे, सारे डिपार्टमेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया और तत्परता से इसको अर्ली कंट्रोल किया है, तो इस तरह का कुछ भी होने का अंदेशा नहीं है, सब कुछ सेफ है। अब आपकी सेक्स समस्या हो जाएगी छूमंतर। अगर आपको बचपन की गलतियों के कारण साथी के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, शुगर, शराब और बढ़ती उम्र के कारण कमजोरी है, अगर आपके जीवन साथी की संतुष्टि ना हुई तो आपका दिन रात की कमाई का क्या फायदा, तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आ गए हैं विश्व विख्यात सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर SD शर्मा। डॉक्टर शर्मा एक ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की पूरी गारंटी देते हैं। जालंधर बस स्टैंड के सामने पंजाब रोडवेज टीपू नंबर 1 के पास शर्मा कॉम्प्लेक्स, जहां सिर्फ बेहतरीन कीमती देसी नुस्खों से देसी दवाइयां तैयार की जाती हैं। तो अभी कॉल करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के मुख्य चौराहे पर 26/11 हमले में शहीदों को दीपक प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही ABVP कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर दुख व्यक्त किया। 2008 में 26/11 को जो मुंबई में ताज होटल में जो भारतीय सेना के पांच जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मुख्य चौराहे पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए पांच दीप प्रज्वलित किए।